अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हनुमान और आप देख रहे हैं पॉप रिएक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत होंगे, फिट एंड फाट होंगे, एकदम मस्त बढ़िया और एकदम रोमांचक और एकदम धमाकेदार होंगे। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। कंपेरिजन है दो होटल्स के बारे में। होटल्स कौन से हैं वो तो वीडियो के टाइटल में पता चलेगा। वीडियो का टाइटल है ताज प्लेस मुंबई वॉज ताज दुबई फुल कंपेरिजन अनबेस्ट इन हिंदी 2020 होटल कंपेरिजन। ये होटल कंपेरिजन है ताज प्लेस इन मुंबई और ताज प्लेस इन दुबई, दोनों का कंपैरिजन है। एक ही कंपनी की ये होटल्स हैं जो कि भाई मेरे मुख्तलिफ कंट्रीज में है, मतलब एक इंडिया में और एक दुबई में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो में पता चले कि भाई मेरे में फर्क क्या है। कंपैरिजन है काफी अच्छा, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर विजिट कर सकते हैं। काफी अमेजिंग वीडियो है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स स्टार्ट। ताजमहल पैलेस और दुबई में ताज दुबई, ये दोनों ही होटल्स दुनिया भर में मशहूर हैं। दोनों ही होटल जमशेद जी टाटा के ताज ग्रुप के द्वारा बनाए गए हैं। तो आइए जमशेद जी टाटा कंपनी के द्वारा बनाए गए होटल से कंपेयर करें। इस वीडियो में हम इन दोनों आलीशान होटल्स के रूम प्राइसेस से लेकर फैसिलिटीज से लेकर लोकेशन और नंबर ऑफ रूम से लेकर हर जरूरी चीजों का कंपैरिजन करेंगे। तो यकीनन ये वीडियो मजेदार तो होगा ही, इसीलिए आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं नंबर वन ग्रुप। होटल को ताज ग्रुप के द्वारा बनाया गया है। इस ग्रुप का निर्माण साल 1903 में हुआ था और ये एशिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन होटल ग्रुप है। ताज ग्रुप दुनिया भर में 64 लोकेशन पर 101 होटल्स बनाए हैं। इनके होटल्स नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, अफ्रीका, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और नेपाल में भी है। सबसे बेहतरीन जगहों को चुनकर वहां ताज होटल्स का निर्माण किया जाता है। ये ग्रुप मॉडर्न बिजनेस होटल्स से लेकर बीच रिजॉर्ट्स और ग्रैंड पैलेसेस मुख्तलिफ कंट्रीज में है यार। ये होटल्स में लग्जरी और वर्ल्ड क्लास सर्विसेज दी जाती है और ताज ग्रुप का हर होटल इंडिया के इतिहास की झलक दिखाता है और हर जगह इंडिया की मेहमान नवाजी यानी हॉस्पिटैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। नंबर टू, डेट ऑफ क्रिएशन। ताज दुबई को 5 साल पहले यानी अप्रैल 2015 में बनाया गया था और 2015 में बनाया गया। आज से 117 साल पहले दिसंबर 1917 पुराना है यार ये। यानी ताज पैलेस होटल एक सदी से भी पहले बनाया गया था। नंबर थ्री, लोकेशन। ताज दुबई को दुबई के डाउनटाउन बुर्ज खलीफा स्ट्रीट जैसे खास जगह पर बनाया गया है। ये जगह सच में कमाल की है। इस जगह पर 300 रेस्टोरेंट्स और बार्स, जॉगिंग ट्रैक्स और फ्री पार्किंग हैं। ये सच में एक होटल खोलने की कमाल कमाल की इसमें जगह है यार। जगह दुबई का दिल है। वहीं ताजमहल पैलेस को गेटवे ऑफ इंडिया के सामने मुंबई कोलाबा में बनाया गया है। मुंबई शुरुआत से ही हिंदुस्तान के इतिहास का एक अहम हिस्सा रहा है और ज्यादातर टूरिस्ट जब इंडिया आते हैं तो उनकी नज़र सबसे पहले यहाँ के फाइनेंशियल सेंटर मुंबई में ही पड़ती है। इसीलिए बेशक मुंबई सबसे बेहतरीन जगह होती ताज होटल के लिए। नंबर फोर, मोस्ट पॉपुलर फैसिलिटीज। ताज होटल और महंगा भी काफी होगा। चार्ज है पूल वन अडल्ट के लिए और पूल टू किड्स के लिए बनाया गया है। यहाँ स्पा, फ्री पार्किंग और फ्री इंटरनेट जैसी सुविधाएं हैं। यहाँ हर हिस्से में वाईफाई कनेक्शन दिया गया है। यहाँ गिफ्ट शॉप्स, वीआईपी रूम फैसिलिटीज, फैमिली रूम्स, नॉन स्मोकिंग रूम्स, साउंड प्रूफ रूम्स और डिसेबल लोगों के लिए भी अलग फैसिलिटीज और सर्विसेज हैं। वहीं मुंबई के होटल में वन स्विमिंग पूल, स्पा, फ्री पार्किंग, फ्री इंटरनेट, गिफ्ट शॉप्स, एलिवेटर्स, वीआईपी रूम्स, फैमिली रूम, वाईफाई फ्री और स्विमिंग पूल, नॉन स्मोकिंग रूम्स और क्लीनिंग सर्विसेज जैसे पैसे पूरे हो जाते हैं। नंबर फाइव, एक्टिविटीज एंड एंटरटेनमेंट। एक्टिविटीज और एंटरटेनमेंट के नाम पर ताज दुबई में स्पा, आउटडोर पूल्स, फिटनेस और मसाज सेंटर्स हैं। वहीं मुंबई के ताज होटल में सोना, फिटनेस सेंटर्स, मसाज, हॉट टब और स्पा जैसी सर्विसेज दी जाती हैं। नंबर सिक्स, नंबर ऑफ रूम्स। ताज दुबई में कुल 296 आलीशान कमरे हैं। वहीं मुंबई में 496 कमरे हैं। अंदर 403 403 कमरे आलीशान कमरे बनाए गए हैं। 17 साल पुराना है। खूबसूरत कमरों के एक रात के रेंट की कीमत जानना चाहेंगे? नंबर सेवन, रूम प्राइसेस। ताज मुंबई के लग्जरी रूम की कीमत एक रात रुकने के लिए 12,500 रुपए है। यहाँ के लग्जरी ग्रैंड की कीमत 15,000 रुपए है। इस कमरे से आप मुंबई शहर के नजारे देख सकते हैं। लग्जरी ग्रैंड किंग रूम 15,000 रुपए ले सकते हैं। 17,000 एक रात के रेंट की कीमत 17,000 रुपए है। यहाँ कमरों की एक रात की कीमत 45,000 से 80,000 रुपीज तक भी है, जो फैसिलिटी 80,000 वाली भी है। वो तो बहुत ही आगे है। मुंबई के ताज होटल की ये कीमत सुनने में ज्यादा है, पर अभी ताज दुबई बाकी है। ताज दुबई के लग्जरी रूम की कीमत 10,000 रुपए है।
फैमिली किंग रूम की कीमत पर नाइट 13,000 रुपीज है। क्लब किंग रूम की कीमत पर नाइट 19,000 रुपीज है, जहां से आप बुर्ज खलीफा के नज़ारे देख पाएंगे। बुर्ज व्यू के साथ यहां के लग्जरी सूट की एक रात की कीमत 42,000 रुपीज है। ग्रैंड लग्जरी सूट की कीमत बुर्ज खलीफा के नज़ारों के साथ 54,000 रुपीज है। महाराजा रूम की कीमत 1,83,000 है और टू बेडरूम प्रेसिडेंशियल रूम की एक रात की कीमत 4,25,000 रुपए है। और सर्विसेज के मुताबिक ये प्राइसेस में और भी बदलाव आते हैं। नंबर 8, होटल मैनेजर्स। ताज दुबई के जनरल मैनेजर, पैसा उड़ाना होगा तो बंदा दुबई जाए। उनका नाम है मिस्टर रंजीत फिलिपोस। वही मुंबई के ताज होटल में मिस्टर तलजिंदर सिंह वर्तमान में मैनेजर है। नंबर 9, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। दोनों ही होटल्स में सेफ्टी का खास ख्याल रखा जाता है। यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर्स, सीसीटीवी कैमरास, स्मोक अलार्म्स, सिक्योरिटी अलार्म्स, 24-hour सिक्योरिटी सर्विसेज और गार्ड्स हमेशा रहते हैं। दोनों ही बहुत बड़े लेवल पर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए यहाँ सिक्योरिटी में कमी नहीं की जाती। नंबर 10, होटल पोजीशनिंग। दोनों ही होटल्स ताज ग्रुप के 5-star होटल्स की लिस्ट में शामिल होते हैं। फर्क बस इतना है कि ताज दुबई एक लग्जूरियस 5-star होटल है, वहीं ताज होटल मुंबई में एक 5-star लग्जूरियस पैलेस है। इसे बिल्कुल एक महल की तरह बनाया गया है। कितने लोग मिलकर संभालते हैं। ताज दुबई को 300 से ज्यादा लोग मिलकर चलाते हैं, यानी यहाँ 300 है। पर वही मुंबई के ताज और एम्प्लॉयज उनको ना खास किस्म के एम्प्लॉयज होते हैं, शेफ जो होते हैं। और बेशक ये ताज ग्रुप का पहला और सबसे खास होटल है। तो दोस्तों, आपको कौन सी होटल अच्छी लगी, ताज दुबई या फिर ताज पैलेस? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा। पसंद आया तो लाइक। लेकिन जो इंडिया का ताजमहल है, ताज होटल है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव सा। इंडिया का जो होटल है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, क्योंकि उसकी वजह ये बहुत पुराना है, 117 साल पुराना है यार। उस टाइम कैसे बनाया गया होगा और किस तरह, और आजकल के दौर में उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज दी होंगी, काफ़ी अमेजिंग है। और 117 साल पहले क्या होंगी और अब क्या होंगी फैसिलिटीज, उसके ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे। अगर कोई ऐसी वीडियो भी सर्च करूँगा तो लेके आऊँगा लाजमी आपके साथ। दुबई मैं कुछ नहीं कहूँगा उसके बारे में, सिर्फ नाम ही काफ़ी है दुबई का। काफ़ी महंगा है यार दुबई तो, बहुत महंगा है। एक एक कमरे का 4,70,000 रुपये, वो भी आलीशान बंदे के लिए। किसी ने पैसा उड़ाना हो तो भाई दुबई जा सकते हैं, और किसी भी जगह पे रह के पैसा उड़ा सकते हैं। वहाँ तो टॉयलेट जाने के भी भाई मेरे पैसे हैं, टॉयलेट जाने के भी, अगर आप टॉयलेट जाते हैं यूज़ करते हैं उसके भी पैसे कटते हैं आपसे। और उसके अलावा कोई भी चीज़ आपने उसके ऊपर टैक्स, और बहुत कुछ, हर चीज़ पे टैक्स है, हर चीज़ पे, हर मुल्क में होता है। लेकिन वहाँ पर किसी जगह पर आपको रिलीफ दिया गया, लेकिन दुबई आप जाएँ और बस फिर पैसे देखें आप कैसे जाते हैं। वेल यार, आई होप आज की वीडियो, आज का कंपैरिजन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह कंपैरिजन वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कमेंट सेक्शन में लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए, मैं आपकी वीडियो को लाजमी रिएक्शन करूंगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग और एक रोमांचिक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक लिए भाई को इजाजत, शाद रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।